हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की 75 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक मॉडल पेपर जो कि सभी जिलों में इस मॉडल पेपर को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट है आपके 75 मार्क्स के लिए। आपका क्वेश्चन जो इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि निबंध हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया, आपका नोटिस हो गया, आपका लेटर हो गया, आपका ये एप्लीकेशन हो गया, तो उन सब चीज को इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। बहुत ध्यान से देखना और ये पैटर्न को पूरी तरीके से आपको फॉलो करना। इसी पैटर्न में ही आपके टीचर, आपके जिले में, आपके स्कूल में पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रहेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट रिफर टू, ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट का क्या मतलब है? सन, अर्थ, मून, वर्ल्ड, आपको करेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, इस पर देखो क्या लिखा है, मिटन्स आर। ठीक है, तो इसमें मिटन्स क्या है उसको आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहेंगे। द चेस इज, चेस कैसा, पीसफुल गेम है या फाइट बिटवीन टू प्लेयर है, अ वार बिटवीन टू प्लेयर या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा है उसको आपको लिख लेना है। क्लियर है? फिर आपके नेक्स्ट पेज पर चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो आपकी स्क्रीन पर आगे क्या बोला जा रहा है कि इन द पोयम द मडल हेड, ठीक है, द मडल हेड लिव्ड इन, इस पर इन द पोयम में, इसमें मडल हेड कहां रहते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पतुस्की, इसको आपको लिखना है। क्लियर है? फिर फिफ्थ वन देख लेते हैं आपका, द गेस्टर रिफर टू इन द पोयम, जो गेस्टर है उसका मीनिंग क्या है आपको लिखना है। ग्रीटिंग और शेइंग नमस्ते, सिग्नेचर ऑफ पर्सन, विश टू ग्रीट पीपल, अंडरस्टैंडिंग सिंबॉल क्या है, गेस्चर का मतलब उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका 100% कंफर्म है कि आपकी बी पर क्या दिया जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, वो भी इसी तरीका से। ठीक है, यही एन द का, यही वंस वन का यूज वाला, इज एम आर का यूज वाला, यही हैव एज, यही सिंस फॉर वाली, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। हालांकि ये सेंटेंस जो चेंज हो सकती है अंदर की, बट ये सब एन द का यूज, इज एम आर का यूज, यही सब क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। देखो, हर फादर इज ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ पर एन द का आपको यूज करना है। अब बता देता हूँ कि अगर आपको एन द का यूज नहीं आता करना, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिंपल से यूट्यूब पर जा करके आर्टिकल बाई एकलव्य आरपीएस या ए इन द का यूजेस ऑफ एकलव्य आरपीएस लिखेंगे तो आ जाएगा। आपको इज एम आर का यूज करना नहीं आता तो वो आप सर्च कर सकते हैं। आपको सिंस फॉर का यूज करना नहीं आता तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, बाई लगा देना, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, एंड सबको आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, याद रखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसको भाई। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ में नहीं टिक लगा देना है आपको। फिर आगे बढ़ते, आपको मैच द कॉलम आपको क्लास 10th में भी पूछा जाएगा और क्लास 9th में भी आपको फाइनल एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, जो कि लगभग आउट ऑफ सिलेबस होती है। हमें पूरी अच्छे से इसको रीड करके इसके आंसर्स बनानी होती है, पूरा पढ़ के ही आपको करना रहता है। ठीक है, तो इस साइड को पढ़ोगे तो मैथ जिसमें खाना चाहिए, जैसे कि मेन नो अबाउट केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं उनको केमिस्ट कहते हैं ना, इस तरीके से द मैच विल बी प्ले स्टेडियम, इस तरीके से आपको जो है रीड करना है अच्छे से, फिर सबको मैच करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके टीचर्स आपको देंगे क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट जो आपको दिया जाएगा, इसी तरीका से एक पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, तो पूरी तरीका से जो भी पैसेज टीचर आपके देंगे उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर है? ध्यान रखना और सभी को पढ़ लो अभी भी। और नीचे मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, देखो 2 से 6 यहाँ पर बोल रहा है कि वेयर आर हिमालयस लोकेटेड, हिमालय कहाँ पर स्थित है उसको लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड हिमालय, हिमालय का क्या मीनिंग है उसको लिखना है। फिर विच इज द हाइएस्ट पीक उसको करना है। फिर वाई डू मेनी विजिटर्स गो टू द हिमालय, हिमालय क्यों जाते बहुत से लोग। नेम द रिवर्स ओरिएंटेड फ्रॉम हिमालय, हिमालय से निकलने वाली जो नदी है वहाँ, उन नदियों के नाम आपको लिखना है। वो पैसेज जो है पूरा ऊपर को पढ़ोगे तो आराम से सबका आंसर कर लोगे और आपका जो है आराम से यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो है कंप्लीट आपके बुक से आने वाला है, तो आप लोग कम से कम ये क्वेश्चन जो भी आप लोग देख पा रहे हैं उनको तैयारी कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होती है ना।
आपको बहुत ज्यादा उसमें से मुश्किल से 4 क्वेश्चन आना है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर ले। देखो क्या बोला जा रहा है। व्हाई डिड रिकी जोनाक मोनपी एंड पिंकी वांटेड टू हैव अ बिग मैजिक, वो बिग मैजिक क्यों चाहते थे या क्या वाला कर लेना है आपको। व्हाई डू यू थिंक ऑल द बॉयज इन द बोथ टर्म्स फॉलोड अशोक राठौर, उसको करना है। फिर 9 पर ही आपके बुक का ये 4 क्वेश्चन जो आपको कंप्लीटली बुक से आएगा 10वां तक का, ठीक है। फिर देखो यहां तक चलो ये 10 ये सब क्वेश्चन तो चेंज कर सकते हैं, मान के चलो ये 4 क्वेश्चन बस, बाकी आपको चेंज नहीं किया जाएगा। 9वां 10वां ये आपको चेंज होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बट आगे की क्वेश्चन जैसे कि ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज नहीं करेंगे। आपके स्कूल में भी आपको यही सब देंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यूअर TC एंड CC, तो आपको दो कर लेना, एक तो लीव का याद करोगे और दूसरा TC और CC का एप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके और में देखो आपको क्या दिया जाएगा, सिर्फ इस बार आप इसी को कर लो, ठीक है। राइट अ लेटर टू यूअर फ्रेंड अटेंड यूअर बर्थडे पार्टी, या इसी को ब्रदर मैरिज सिस्टर मैरिज भी बोला जाता है, क्लियर। इसको कर लेंगे तो आपका 10th के लिए भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो आएगा ही आएगा। फिर 12वां क्वेश्चन भी कंफर्म है आपका, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। राइट नोटिस, ठीक है, नोटिस वाला है। देखो इस पर क्या दिया है, नोटिस लिखना है, तो आपको नोटिस नहीं आता लिखना तो एकदम आसान, कोई सा भी नोटिस दे आप लोग जाकर के यूट्यूब पर सर्च करो नोटिस बाई एकलव्य RPS, आपको एक फॉर्मेट मिलेगा एकदम आसान, उस फॉर्मेट को बस कर लो, फिर कोई सा भी नोटिस दे आपसे बन जाएगा। जैसे कि इस पर क्या दिया, फुटबॉल कंपटीशन ना, तो कुछ भी दे, फुटबॉल कंपटीशन हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, रंगोली कंपटीशन हो, GK कंपटीशन हो, कुछ भी हो आपसे बन जाएगा। तो 10वीं में भी वही करना है, इसलिए आप लोग 9 से ही तैयारी कर लो। फिर इसके और में आपको पूछा जाएगा लॉस्ट एंड फाउंड का, ये 10वीं में भी पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है, 9th में भी, इसलिए इसको भी लॉस्ट एंड फाउंड को कर लो, दो ही नोटिस आपको करना होता है। फिर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, याद रखना पैराग्राफ में क्या होता है, ये ऐसे की तरह होता है, लेकिन इसको यहाँ पर जो हेडिंग दिया रहता है उसी को एक में जोड़ के लिखना होता है, मिला के बस, सिंपल सा, ठीक है, जिससे आपके 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। तो पैराग्राफ कर लेंगे। और पैराग्राफ के और में भाई क्या आया, देखो पोस्टर बनाना है आपको सेव वाटर पर, आपको इस तरीके से एक बॉक्स ले बनाना है, बॉक्स के अंदर सेव वाटर का एक चित्र जो बनाना होता है ना, पोस्टर आप लोग देखे होंगे दीवालों पे छपा होता है कि सेव वाटर करके, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में देखो आपका क्या, बुक से आपका फिर से पोयम दिया है, पोयम को पढ़ना है और फिर नीचे जो भी क्वेश्चन दिया है 5 क्वेश्चंस उसके आंसर्स जो है आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पोयम दिया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे अच्छे से। फिर आपका भाई आप एग्जाम में डुएट डायरेक्टेड पूछा ही जाएगा, ये श्योर है, अगर आपके टीचर्स अच्छे से पैटर्न फॉलो करते हैं, सही से ब्लू प्रिंट फॉलो करते हैं, तो उनको ये डुएट डायरेक्टेड जो है रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ जो है इंक्लूड है। देखो आपको क्या क्या करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने वाला, वाइस करना रहेगा, स्टेंस पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन टेक पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, सो दैट का यूज पढ़ना पड़ेगा, इज एम आर का यूज करना पड़ेगा। तो ये कर लोगे तो कन्फर्म आपका यहाँ से भी 5 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड से, क्लियर है। तीन सबको कर लेना, अगर किसी पर भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है। फिर आपका देखो ऐसे ऐसे यही पूछा जाएगा आपको, यही इंपॉर्टेंट ऐसे जो कि 10वीं में भी आती है, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस, माई होप भी यहाँ पर स्पेलिंग जो मिस्टेक है, माई होप भी है, वो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री कर लेंगे। कम से कम इसमें से आप वंडर ऑफ साइंस और माई होप भी दोनों में से कोई एक को अभी कर लिए रहो, अब बाकी आप जो छुट्टी होगी एग्जाम के बाद इनमें से एक और कर लेना, यही आपके 10th में भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, देखो पैसेज आएगा, जो कि आपको फिर से इस पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे से, ध्यान से, आपके बुक का ही पैसेज है, फिर नीचे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, उन क्वेश्चन की आपको तैयारी कर लेना है, जिससे आपका 75 out of 75 बन जाए, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस इसी पैटर्न में ही आपको पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।